मैं कम सर? यस प्लीज। प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने संबलपुर से ग्रेजुएशन किया है? यस। उड़ीसा में? यस। कैसा जगह है ये संबलपुर? सर संबलपुर बहुत ही विकसित जगह है उड़ीसा के, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें से बहुत ही अच्छा माना जाता है। वहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, स्पोर्ट टूरिस्ट प्लेस वगैरह है। पढ़ाई के डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई आपने क्या सिंपल ग्रेजुएशन किया है? साइंस से। यस सर, मैं सिंपल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री फास्ट कोर्स। यस सर। चलिए बहुत अच्छा। ये बताइए कि जो विज्ञान की शिक्षा है वो किसी भी कंट्री के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जुड़ा होता है। आपने संबलपुर में पढ़ाई की है। यस सर। ये बताइए कि बिहार के रिस्पेक्ट में आपको उड़ीसा में क्या ऐसा देखने को मिला जो शिक्षा प्रशिक्षण ज्ञान आपको ऐसा लगा कि यहाँ से वो बेहतर क्वालिटी का है और उससे बिहार कुछ सीख सकता है? सर वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बिहार में भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इस बिहार की तुलना में वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मान लीजिए कि आपको किसी विद्यालय के विज्ञान संकाय का शिक्षा या शिक्षण का कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, तो आप विज्ञान की शिक्षा देने के लिए उस स्कूल या कॉलेज में क्या क्या चेंजेस लाएंगे जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छा कर सकें? सर जैसे भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि ब्लैक बोर्ड के चौक के माध्यम से मैं बच्चे को कंप्यूटर से प्रैक्टिकली समझा सकूं, जिनके वो ज़्यादा कैच कर पाएंगे बच्चे। थ्योरी की जगह मैं प्रैक्टिकल को ज़्यादा महत्व देना चाहूँगी सर। थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल और डिजिटलाइजेशन। यस सर। और कुछ? क्या आपने अपने कॉलेज का जो कैंपस का माहौल देखा उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या वहाँ क्लासेस रेगुलर होती? यस सर, मेरे कॉलेज में क्लासेस रेगुलर, एग्जाम पूरे 100% स्ट्रिक्टनेस से हुआ करते थे। और आपका पालन पोषण अपब्रिंगिंग कहाँ हुआ? सर उड़ीसा में। उड़ीसा में? यस। तो फिर बिहार से कैसे जुड़ाव है आपका? सर मेरे मतलब जो नेटिव प्लेस वो बिहार ही हुआ, मेरे पापा वहाँ काम करते थे इसलिए हमारी पढ़ाई लिखाई सब उड़ीसा में हुई सर। अच्छा, लेकिन आप नेटिव आप यहाँ बिहार में? यस सर। ईएसआई पद के लिए आवेदन किया है आपने, बताइए कि ईएसआई जो का जो जॉब है वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेकिंग और फिर जो उसके पेनल्टी लेविंग ये सब चीज़ से रिलेट कर रहा है। ये बताइए कि ईएसआई का जॉब आपको किस हद तक आकर्षित करता है? कहने का अर्थ है कि मान लीजिए एक होता है ना कि आप सिंपली तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए और ये मिल गया तो ये जॉब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पद का या कार्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का आम जन से जुड़ा हुआ कैसे देखते हैं इसका? सर मैं ईएसआई बन जाती हूँ तो सबसे पहले जो एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं मैं उस पर कुछ करना चाहूँगी अपने तरफ से, अपने सीनियर्स के सुपरविजन में। एक्सीडेंट्स वगैरह पे आप कुछ करना चाहेंगे, क्या कारण बता सकते हैं? 5 कारण बताइए तो एक्सीडेंट्स का जो आपको लगता है कि एक्सीडेंट्स इस कारण से होते हैं। सर ओवर स्पीड हो गया सर, फ़ोन पे बात करना, ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन पे बात करना ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो गया है, हेडफोन लगा के ड्राइविंग करना। अच्छा। जगह जगह पे स्पीड मतलब ब्रेकर ऐसे जगह पे हो गए हैं कि उससे भी एक्सीडेंट हो जाए करते हैं सर। आपने जो जो कारण बताया वो सब ह्यूमन रीजंस हैं, कुछ मैकेनिकल रीजंस भी होते हैं, कुछ मैकेनिकल रीजंस बताइए जैसे रजिस्ट्रेशन फेल होने के बाद भी गाड़ियों का चलना। हाँ यस सर, जैसे पॉल्यूशन वगैरह पेपर वगैरह नहीं है, गाड़ी में दिक्कत आ जाती है सर, गाड़ी जैसे सर्विसिंग नहीं, कुछ लोग ऐसे ही गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसके परफेक्ट सर्विसिंग होना चाहिए तब गाड़ी ठीक से काम करेगी अपने हिसाब से सर। ठीक है, ये जो परिवहन का क्षेत्र है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा विस्तारित होता जा रहा है, नई नई सड़कें बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उसके बाद सर्विस लेन, सर्विस रोड, ये सब जो है ये सारा कुछ बन रहा है, इसको काफ़ी मतलब विकसित होता हुआ क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि बिहार के मामले में एक लंबे समय तक कहा जा रहा था कि बिहार की सड़कें काफ़ी ख़राब है, बिहार में बिजली वगैरह भी कम है, आज की डेट में तो सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, बिजली की स्थिति भी गांव शहर तक अच्छी है, फिर क्या कारण है कि यहाँ
अर्थव्यवस्था का विकास का वो गति नहीं है। अधिकांश बच्चे जो है वो सरकारी नौकरियों की तरफ उन्मुख होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, बढ़ती जनसंख्या के साथ सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का विस्तार होना चाहिए। तो बिहार में निजी क्षेत्र का विस्तार न होने के क्या कारण है, या युवाओं द्वारा उस तरफ आकर्षित न होने के क्या कारण? सर, यहाँ पे किसी भी प्रकार की मिनरल्स फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं है सर। जैसे दूसरे स्टेट्स में फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ लोग काम कर पाते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ है नहीं। सिर्फ यहाँ एक कृषि है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और आजकल की युवा कृषि ही कर सकते हैं या सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं सर। आपका कहना है कि इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, सरकार तो इतना प्रयास कर रही है, इतने सड़क, इतनी बिजली, जमीन का भी इशूज है, वो सब सुलझा हुआ है, तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या? सर, पहले से बहुत विकास हो गया है, लेकिन विकास की गति थोड़ी धीमी है सर। सरकार अपने तरफ से पूरा 100% दे रही है सर, लेकिन किसी भी चीज़ को कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम लगता है सर। अच्छा। समय की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टअप किसे करते हैं? स्टार्टअप, स्टैंडअप नाम सुना होगा। यस सर, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप और स्टैंडअप? सर, स्टार्टअप मतलब जैसा हम कोई बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं उसी को शायद स्टार्टअप कहते हैं। सरकार की योजना है? यस सर। इस चीज़ से रिलेटेड सर, ये महिलाओं और युवाओं को सर दी जा रही है सर राशि कुछ। अंदर अंतर क्या है स्टार्टअप में और स्टैंडअप में? स्टार्टअप में सर हम स्टार्ट जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडअप जो कुछ हासिल कर चुके हैं। स्टार्टअप नए एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देता है और स्टैंडअप एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट के लिए। यस सर, वो दिन देख रहे थे आप बता रहे थे कि उड़ीसा में टूरिस्ट प्लेस वगैरह बहुत है। यस सर, आप हमें ये समझाइए कि जो टूरिस्ट प्लेस है वे इंडिया के इकोनॉमी उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? सर, टूरिस्ट प्लेस से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत प्रभाव करता है सर। टूरिस्ट प्लेस रहेंगे तो बाहर से लोग आएंगे घूमने के लिए, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती होगी। और डॉलर जैसे कोई अमेरिका से कोई घूमने आए टूरिस्ट यहाँ पर तो अपना डॉलर देंगे, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक साधन है। यस सर, ताजमहल तो जैसे है, बहुत सारे रोजगार भी प्राप्त होंगे सर लोगों को, जैसे टूरिस्ट गाइड वगैरह हो गए और सांस्कृतिक विस्तार भी होगा। यहाँ की संस्कृति वहाँ पर प्रचलित होगी, जो घूम के जाएंगे अपने कंट्री में इसके बारे में बताएंगे। तो ये बताइए, ये जो इंडिया का जो टूरिस्ट प्लेस है इसमें की गूगल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, नहीं कहा जा सकता? नहीं सर। आप हमें ये समझाइए, अगर ऐसा क्या है कि फिर भी देश में अभी जो पोलिटिकल स्पेस है देश का बार बार मुगल को डिफर करने का प्रयास करते हैं, मुगल को डिनाय करने का प्रयास करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर, मुगल शासकों ने भारतीयों पर राज किया, शोषण किया, यही कारण हो सकता है सर मेरे हिसाब से। भारतीयों को शोषण किया? तो भारत में ही रहे हैं, भारत से बाहर तो कहीं कुछ भेजे नहीं, भारत में काम किया रहा, पैसा क्या रखा, ब्रिटिश तरह कुछ भेजे नहीं, इंग्लैंड या मलेशिया। सर, मेरे हिसाब से पहले ऐसा ना था, जब से विभाजन हुआ भारत का 1947 14 अगस्त को सर, उसके बाद से ही भारतीयों के माइंड सेट में ऐसा कुछ आया, पहले सब कुछ बराबर था, सब कुछ ठीक था सर। आप जो शासक रहे हैं बाबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या फिर अकबर का चित्तौड़, इन सब में आपको ऐसा लगता है कि जो मुगल शासक थे उनके पीरियड में प्रजा के बीच काफ़ी ज़्यादा वे लोकप्रिय रहे हैं? यस सर, अकबर बहुत लोकप्रिय थे, उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, धार्मिक नीति वगैरह सर अकबर की, सम्राट अकबर। और आप नालंदा का? यस सर। नालंदा जो है ये बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। यस सर। तो आपने ये समझाइए, ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, तत्कालीन समाज पर? सॉरी, चलिए आगे बताइए। नालंदा जो विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है, ठीक है, और अभी भी फिर से उसको रियोनाइज किया गया है, क्या आपको लग रहा है कि फिर से यूनिवर्सिटी को यह स्थान प्राप्त करेगा? हाँ सर, मुझे लग रहा है सर, नालंदा प्राचीन काल में सर नालंदा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा था सर। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी सर, और इसका विनाश बख्तियार खिलजी तुर्क के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इसका विनाश कर दिया था, लेकिन फिर भी अब राज्य सरकार, बिहार सरकार इस पर बहुत
ध्यान केंद्रित करके इस उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयासरत है अभी बिहार सरकार। 2016 में सर नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में जगह मिली है विश्व धरोहर सूची में, और हम आशा करते हैं कि ये आगे मतलब उस स्थान तक कोशिश किया जाएगा कि पहुंच जाए। ये समझाइए, किसी प्रदेश को या किसी जगह को विश्व धरोहर सूची में जगह मिलता है, इससे क्या होता है? सर मैं सियोर तो नहीं हूँ, पर पूरे विश्व में इसकी सराहना की जाती है सर। सब आपने नाम सुना होगा पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना सुने हैं सर? क्या है ये योजना? नहीं पता है, ठीक है। करेंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं? यस सर पढ़ते हैं। आज का कोई न्यूज बताइए तो। आज का सर, सर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम से बदल कर भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा रहा है सर। बहुत अच्छा है। जी बताइए, भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है, बहुत अच्छा है, रखना चाहिए, हमारे देश के नायक हैं। इससे देश पर देश जो राष्ट्रवादी भावना है उसमें क्या क्या प्रभाव आ सकता है? सर जैसे जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं वो देखेंगे तो उनको जानने की इच्छा होगी क्या कि भगत सिंह है कौन, तो वो उन पर पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमें कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, सब कितने लड़े हैं, तो उन देशभक्ति की भावना से जागेंगे सर। बहुत अच्छा। और अभी अभी एक मेट्रो है ना, मेट्रो को मतलब अंडर वाटर करने का प्रयास किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? सर कोलकाता में किया जा रहा है सर। कोलकाता में स्टार्ट हो जाएगा सर 2024 2023। फिजिक्स मैथ से ग्रेजुएट किया आपने? सर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो में पास कोर्स था सर, तो मैंने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मैथ पढ़ा, सेकेंड ईयर में फिजिक्स मैथ, और फाइनल ईयर मैंने केमिस्ट्री बायो इन्वायरमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए ग्रेविटेशनल फोर्सेस गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है? सर जी स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स सर कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नीचे आती है सर। अच्छा। और इकोसिस्टम क्या होता है? सॉरी एनवायरमेंट पढ़ा आपने? ओ इकोसिस्टम, सॉरी सर मैंने सोचा कि साउंड का जो इको होता है उनके बारे में पूछ रहे हैं। बताती तो इकोसिस्टम ईसीओ इकोसिस्टम बताइए क्या होता है? सर इकोसिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी मतलब सिस्टम होते हैं। अच्छा ये बात बताइए, अभी 15 अगस्त को लाल किले पे नरेंद्र मोदी ने झंडा जो होस्टिंग किया उन्होंने कहा कि पांच प्रण, ये पांच प्रण के बारे में आप कुछ बता सकती हैं क्या है? नवाचार है सर, इसके बारे में मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, इसका मतलब क्या है पांच प्रण? सॉरी सर। अच्छा अभी जो है हमारे गवर्नमेंट ने डिप्टी सिंह तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने कि कोई भी मिनिस्टर्स जो अपॉइंट हुए हैं वो नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे और कोई भी किसी भी पब्लिक से वो पैर नहीं आएंगे। इस क्या ये वर्क कल्चर लाने से क्या बिहार का विकास हो सकता है? आपका क्या मत है व्यक्तिगत रूप से हमें ये पैनल से बताइए। सर विकास के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन गाड़ी नहीं खरीदने का मुझे बहुत अच्छा लगा है डिसीजन, जैसे सरकार की अर्थव्यवस्था भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी और एक तरह से देखा जाए तो पॉल्यूशन भी कम होगा, और गाड़ियाँ खरीदेंगे जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, फिर एक्स्ट्रा भी खरीदेंगे तो और पॉल्यूशन बढ़ेगा ही, और जो गाड़ियाँ पहले से ही हम उसी को यूज करेंगे तो पॉल्यूशन कम रहेगा सर। नहीं पॉल्यूशन से एग्जैक्टली ये मेरा सेंस नहीं है, मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया कि वर्क कल्चर अगर इस तरह के लाते हैं गवर्नमेंट तो क्या इससे विकास बिहार का विकास होगा या विकास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मैं इन सब बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है,
सर मेरी राय है कि विकास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है सर, मैं इसको सराहना करती हूँ। सहमत। अच्छा ये बताइए कि बिहार में प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेस, लेकिन फिर भी हमारा बिहार जो है औद्योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए इंडस्ट्री यहाँ बहुत कम है। इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण है, कुछ बताइए। सर कोई बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं करी, सर इंडस्ट्री नहीं बन रही है, इसी रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज आ रही, मैं यही तो जानना चाहता हूँ आपसे। सॉरी सर। अच्छा अभी मेरे को ये बताइए कि जो है ये साई आप करने बनने जा रहे हैं, अपॉइंट होने जा रहे हैं, ईएसआई का जो कार्य क्षेत्र है उसमें अगर आप अपॉइंट होती हैं तो उसमें कैसे किस टाइप की सुधार उसमें आप करना चाहेंगी या कैसे सुधार आप चाहती हैं कि और इम्प्रूवमेंट। सर मैं तो अपने तरफ से 100% अपना दूंगी सर, डिजिटलाइजेशन अभी बहुत प्रभाव डाल रहा है उसका मैं उपयोग करूंगी, अपने सीनियर सब से डिस्कस करूंगी, अपने जो कलीग हैं उनसे मिलकर कोई योजना बनाऊंगी कि सब कुछ कार्य नियम नीति से हो। सर अच्छा एक आपने मेंशन किया है अपने रिज्यूम में कि नर्वसनेस एट ए पब्लिक प्लेस, आपने लिखा कि आप नर्वस हो जाती हैं पब्लिक प्लेस में, इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप नर्वस अगर होती हैं और आप अपॉइंट होंगी एज ए ईएसआई के रूप में तो आप इस वीकनेस पॉइंट को कैसे आप रिमूव करेंगे और कैसे फेस करेंगे जब पब्लिक प्लेस में ही आप नर्वस हो जाती हैं। सर इसके लिए मैं बहुत वर्क कर रही हूँ, अपने अपना 100% दे रही हूँ सर। अच्छा चलिए ठीक है, और ये साइट के रूप में एज ए आपका प्रोफाइल क्या होगा आपको पता है? यस सर। क्या प्रोफाइल होगा? सर मेरी ड्यूटी चेक पोस्ट पे होगी, मुझे गाड़ियों की चेकिंग करनी होगी, जैसे पर्सनल व्हीकल हो गया तो सर उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, सर कॉमर्शियल व्हीकल हो गया तो परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट। कुकिंग आपकी हॉबी है और साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया। यस सर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताएं। NaHCO3 सर। पढ़ेंगे क्या इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। भोजन में इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और क्यों ये इसको प्रयोग में लाया? सर बेकिंग सोडा का प्रयोग बहुत ही थोड़ी मात्रा पे किया जाता है, जैसे हम कुछ इसका उपयोग सर बेकिंग के लिए किया जाता है, जैसे केक वगैरह बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है सर, इसमें ये अब घटक के रूप में सर किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से फ़ायदा या नुकसान होता है? सर फ़ायदा होता, नुकसान नहीं होता सर। ओवर यूज़ किया जाए तो हार्मफुल? हाँ हार्मफुल होगा सर, ओवर यूज़ किया जाता है। प्रणाम सर। आ जाइए फीडबैक के लिए। मैं कम जाते वक्त आपने प्रणाम सर कहा, आते वक्त प्रणाम सर कहें, जाते वक्त थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान, ठीक है, धन्यवाद श्रीमान या थैंक यू सर। इंग्लिश में भी बोलेंगे तो भी चलेगा, आप इंग्लिश में भी मिक्स करके बोलेंगे तो भी चलेगा। देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा आपसे, लेकिन जितना भी पूछा है उसको आप थोड़ा संयमित होकर कहीं आपने जवाब दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जैसे संबलपुर के बारे में पूछा गया कि भाई वहाँ से बिहार क्या सीख सकता है, तो अब यही चीज़ है, अब अगर वहाँ पर आपने कुछ ऐसा देखा कि सर मैं वहाँ पढ़ाई की हूँ, अगर मैं यहाँ पढ़ाई की रहती तब मैं तुलना कर पाती, ठीक है, दोनों जगह पढ़ेंगे तब तो, लेकिन फिर भी सर यहाँ जैसे साइंस कॉलेज है, यहाँ अच्छा प्रशिक्षण का है, मेरे कई मित्रों ने यहाँ से पढ़ाई की है, उन्होंने भी वो प्रशंसा करते हैं यहाँ की, ठीक है, ठीक है, समझ रहे बात में। और दूसरा चीज़ हो गया कि आपसे ये पूछा गया था कि बौद्ध धर्म वगैरह के बारे में पूछा गया था, तो उसमें थोड़ा सा आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। ये पूछा गया था कि क्यों सरकार नाम बदल रही है, तो आपको कहना है कि सर उनका नाम मुगल शासकों के नाम पर रख दिया गया, जैसे क्रिकेट का मैदान उसका नाम रख दिया फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तो कोई क्रिकेटर था नहीं, अब जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सर क्यों बदला गया ये तो नहीं पूछा गया। वही तो है, मतलब ये चीज़ है कि अब नाम के बदलने के मामले में जो ऐतिहासिक रूप से चीज़ें आ रही है कि उन्होंने तो अपने जीवन में खेल को या शहरीकरण को वैसा, अब जैसे एक जगह उसका नाम है गाजियाबाद तो गाजी बोलते हैं, वो तो उसके भी नाम बदलने के बारे में चर्चा होते हैं, ये हाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, थोड़ा ये राजनीतिक रूप से भी प्रेरित है, और थोड़ा चीज़ों को जैसे अलाहाबाद और प्रयाग नाम कर दिएगा तो उसका पुरातन गौरव लौटाने का भी प्रयास है।
ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है और पुरातन गौरव लौटाने का भी प्रयास है। ठीक है, एक चीज मैं ये बोलूंगा, देखिए क्वेश्चन तो आप सही दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा अपना जो क्वेश्चन देने का जो वे है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो थोड़ा आंसर्स जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा एनर्जेटिक वे में दीजिए, ताकि पैनल्स ठीक है, किसी भी चीज को जो एक्सप्रेस आप कर रही हैं ना उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करिए, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पैनल्स के ऊपर। ये इंटरव्यू में ये देखते हैं मैक्सिमम हाइट को मेंटेन करके बैठते हैं, समझ गए आप? थैंक यू लास्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर वो एक वीडियो